हाई एवरी वन, म विनाहार पोखरेल। आज मैं क्लास इलेवेन को बेसिक मैथमेटिक्स को कम्प्लेक्स नंबर को बारे में कई कंसेप्चुअल कुरा गई रहु। कम्प्लेक्स नंबर हमें रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर भित्र रेसनल इरेसनल हुँदै अगाडि कम्प्लेक्स नम्बरसँग पढ्दै आउँछौँ। यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको त्यो नम्बर सिस्टमहरूको सबैभन्दा वाइड हो। इट मिन्स रियल नम्बर सिस्टम भन्दा पनि अझ एडभान्स रूप भनेको कम्प्लेक्स नम्बर। रियल नम्बरमा अट्न नसकेका नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बरमा अट्छन्। यसको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। एनी नम्बर which is in the form a plus ib e where a and b are real numbers and I is equal to minus one is non is complex number। कुनै पनि नम्बरलाई ए प्लस आइबी को फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने इट इज नन एज जेड इज इक्वल टु इट ए प्लस आइबी इट इज डिनोटेड बाई जेड and define it z equal to a plus ib। कुनै नम्बर a plus ib को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। एभ्री नम्बर आर कम्प्लेक्स नम्बर। वान पनि कम्प्लेक्स नम्बर। वी क्यान राइट वान इक्वल टु वान प्लस जेरो आई। अल रियल नम्बर, सबै रियल नम्बरहरू पनि कम्प्लेक्स नम्बरमा अट्ने कारणले हामीले के भन्न पायौँ, रियल नम्बर भन्दा कम्प्लेक्स नम्बर अझ एडभान्स रूप हो। यसको एउटा मेन प्रपर्टी छ, यसको धेरै प्रपर्टी छ। त्यो मध्ये इफ टु रियल नम्बर आर इक्वल, दुईटा नम्बर इक्जाम्पल अथवा प्रपर्टी ए प्लस आइबी इक्वल टु सी प्लस आइडी छ भने एट द्याट टाइम वी क्यान इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट। इट मिन्स ए इक्वल टु सी एन्ड बी इज इक्वल टु डी। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। नेक्स्ट वान, यदि कुनै रियल नम्बर कम्पेयर गर्न सकिन्छ टूभन्दा थ्री ठुलो हो तर बट दिस कम्प्लेक्स नम्बर वी क्यान नट कम्पेयर टु इच अदर। बट इफ दिस दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर यदि इक्वेल छ भने हामीले के लेख्न पाउँछ, रियल पार्ट इक्वेल इमेजिनरी पार्ट इक्वेल। अब नेक्स्ट छ यसको कम्प्लेक्स नम्बर कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। Conjugate of complex numbers if z equal to a plus ib be any real number then z इक्वल टू ए प्लस बी
आई अथवा आईबीबीएनई रियल नंबर तीस को कंजुगेट देन कंजुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड कंजुगेट एंड डिफाइंड by z conjugate equal to a minus i b. अब मैले के भने कन्जुगेट को लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, a plus i b छ भने त्यसको ठाउँमा के हुने भो a minus i b. It doesn't mean that जहाँनिर i छ त्यहाँ माइनस राख्नुपर्छ भन्ने यदि कन्सेप्ट छ भने इट इज रङ. फर्स्ट वी सुड बी कन्भर्ट ए प्लस आइबी, हामीले के को फर्ममा लानु पर्यो ए प्लस आइबी. मैले एउटा सानो इक्जाम्पल लिएँ कन्जुगेट कसरी निकाल्ने भनेर. इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल जेड इक्वल टु थ्री प्लस फो आई डिवाइड बाई थ्री माइनस फो आई छ. नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द कन्जुगेट अफ दिस नम्बर. कुनै पनि नम्बर फर्स्ट कन्जुगेट निकाल्नुभन्दा अगाडि ए प्लस आइबीको फर्ममा हुनुपर्छ, अदरवाइज वी क्यान नट फाइन्ड द वाट कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बर. यसलाई के कसरी सल्भ गर्छ, नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छ, थ्री प्लस फोर आई डिभाइड बाई थ्री माइनस फोर आई इन्टु थ्री माइनस थ्री प्लस फोर आई डिभाइड बाई थ्री माइनस फोर आई थ्री प्लस फोर आई होल स्क्वायर डिभाइड बाई थ्री स्क्वायर माइनस फोर आई स्क्वायर एक्स यसलाई नाइन प्लस ए प्लस फोर ट्वेन्टी फोर आई प्लस सिक्सटिन आई स्क्वायर डिभाइड बाई नाइन प्लस फोर आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्सटिन. ओके यहाँ वी हेभ वान प्रपर्टी आई स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस वान. यो कसरी आयो, हामीले अलरेडी मैले पहिला डिफाइन गरिसकेँ आई इक्वल टु माइनस वान. यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा आई स्क्वायर इक्वल टु माइनस वान. नाइन प्लस ट्वेन्टी फोर आई माइनस सिक्सटिन होल डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ सिक्सटिन ट्वेन्टी फाइभ सेभेन सेभेन माइनस सेभेन प्लस ट्वेन्टी फोर आई डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ इज इक्वल टु माइनस सेभेन बाई ट्वेन्टी फाइभ प्लस ट्वेन्टी फोर डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ आई विच इज इन अ फर्म अफ ए प्लस बी आई विच इज फर्म फर्म अफ ए प्लस आइबी. ए इक्वल टु माइनस सेभेन डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ बी इक्वल टु ट्वेन्टी फोर डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ. नाउ यति भइसकेपछि बल्ल मैले के निकाल्न सकेँ, जेड कन्जुगेट इक्वल टु माइनस सेभेन बाई ट्वेन्टी फाइभ माइनस ट्वेन्टी फोर बाई ट्वेन्टी फाइभ आई. यसबाट के थाहा पाउनु पऱ्यो भने कुनै पनि नम्बर कन्जुगेट निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला ए प्लस आइबीको फर्ममा हुनुपर्छ, त्यसको लागि डिभाइडमा छ भने कन्जुगेट गरेर यसरी कन्जुगेट गरेर ए प्लस आइबीको फर्ममा लाने, पूरकमा छ भने इक्जाम्पल नेक्स्ट इक्जाम्पल थ्री प्लस आई इन्टु फाइभ प्लस टु आई छ भने वी क्यान क्यालकुलेट अन्य अल्जेब्रिक इक्वेसन जस्तो क्यालकुलेसन गरेर आई भएको पार्ट एकतिर र आई नभएको पार्ट रियल पार्ट वान एक ठाउँ
इमेजिनरी पार्ट अर्को ठाउँ राख्दा सजिलै ए प्लस आइबीमा आइहाल्छ। त्यसपछि वी क्यान राइट जहाँनिर आइछ त्यहाँ माइनस हुँदा प्लस, प्लस हुँदा माइनस। अब मैले कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटको बारेमा कुरा गरेँ, लास्ट एउटा डेफिनेसन छ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर यसलाई कसरी डिफाइन गर्यो, लेट अर सपोज लेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी बी एनी कम्प्लेक्स नम्बर देन मॉडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर जेड इज डिनोटेड बाय दिस वन एंड डिफाइन इट जेड मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको मॉडुलस के हुन्छ, अंडर रूट रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। बट यसको लागि पनि सेम कन्जुगेट निकाल्ने बेलामा ए प्लस आइबी को फर्ममा भए जस्तै मॉडुलस निकाल्दा पनि ए प्लस आइबी को फर्ममै हुनु पर्छ। एग्जाम्पल जेड इक्वल टू थ्री प्लस टू आई, यो अलरेडी छ भने नो प्रब्लम, जेड मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर अंडर रूट नाइन प्लस फोर इक्वल टू अंडर रूट थर्टीन। बट इफ नॉट नेक्स्ट एग्जाम्पल जेड इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन प्लस आई, वन डिवाइड बाई वन प्लस आई छ भने पहिला वी क्यान फाइन्ड वन प्लस आई इन्टु वन माइनस आई डिवाइड बाई वन माइनस आई, कन्जुगेट गरेर यो फर्ममा लियो वन माइनस आई डिवाइड बाई वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, वन माइनस आई डिवाइड बाई वन प्लस वन, वन प्लस सॉरी वन माइनस आई, वन माइनस आई डिवाइड बाई टू, हाउ मेनी वन डिवाइड बाई टू माइनस वन डिवाइड बाई टू आई विच इज इन अ फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। देयरफॉर जेड मॉडुलस इक्वल टू हाउ मेनी रियल पार्ट को स्क्वायर वन बाई टू स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई टू स्क्वायर, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर अंडर रूट वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, हाउ मेनी वन बाई टू विच इज रिक्वायर्ड मॉडुलस अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर। नाउ अब मैले यो भिडियोमा एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको डेफिनेसन अनि कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर विथ इक्जाम्पल एन्ड नेक्स्ट मॉडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर एमा पोइन्ट टु बी नोटेड। फर्स्ट पार्ट भनेको पोइन्ट टु बी नोटेड, फर्स्ट कुनै पनि नम्बर ए प्लस आइबीमा छ भने इट इज नोन एज कम्प्लेक्स नम्बर। सेकेन्ड पार्ट कन्जुगेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबीको कन्जुगेट जेड इक्वल जेड बार इक्वल टु ए माइनस आइबी, जेड इक्वल टु ए प्लस आइबीको मॉडुलस जेड मॉडुलस इक्वल टु अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इट मिन्स जेड मॉडुलस इक्वल टु अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट समझिनु पर्ने कुरा आई इक्वल टु स्क्वायर रूट माइनस वन एंड आई स्क्वायर इक्वल टू
माइनस आई इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन एंड आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन र हामीले कन्जुगेट र मोडुलस निकाल्नको लागि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर ए प्लस आइबीकै फर्ममा हुनुपर्छ अदरवाइज वी क्यान नट फाइन्ड आउट मोडुलस एन्ड कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बर ओके दिस मच फर दिस भिडियो